We'll be right back.
आदत ही हो गई है दुल्हन बनने की. हर एक फिल्म जो अभी तक की है उसमें दुल्हन बनी हूँ, और आज जो दुल्हन बनी हूँ मैं खुद को बहुत खूबसूरत लग रही हूँ. जो उन्होंने पूरा फील दिया था मुझे डोली का, ये सब द कॉस्ट्यूम्स आर बाय अर्चना कोचर एंड दे रियली मेक मी फील वेरी ब्यूटिफुल. और उसमें सोने पे सुहागा ये ज्वेलरी है जिसमें स्वारोस्की के प्रेशियस स्टोन्स यूज़ किए गए हैं, और बहुत ही खूबसूरती से इसकी डिज़ाइन बनाई गई है. तो या आई थिंक आज मेरी शादी हो गई, ऐसी फीलिंग आ रही है. प्रैक्टिस तो इतनी हो गई है अब शादी की कि आई थिंक शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे. लेकिन कहते हैं शादी के लिए एक हमसफर भी चाहिए होता है. वही तो, हमसफर ही नहीं मिला, प्रैक्टिस सारी हो गई है, बस अभी हमसफर ढूंढ रही हूँ. अच्छा जनिन, ज्वेलरी की बात करें तो आपको ज्वेलरी कितनी पसंद है, और कौन सी मेमोरेबल मोमेंट है जब आपको ज्वेलरी मिली थी या फिर घर वालों ने गिफ्ट की दिया? वेल, ज्वेलरी तो हर लड़की को अच्छी लगती है, और डायमंड्स हो तो फिर क्या बात है. मेरी फेवरेट पीस ऑफ ज्वेलरी होगी मेरी एक कमर की चेन है जो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट की है. वो मेरी फेवरेट पीस ऑफ ज्वेलरी है. अभी तो फिलहाल मैंने वो पहना नहीं है, बट क्या बात है. आते-आते आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगा, आप क्या क्या करने वाले और कौन सी फिल्म आने वाली है? वेल, मेरी एक फिल्म ऑलमोस्ट रेडी है, बट आई डोंट नो व्हेन इट्स गोना रिलीज बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन लेफ्ट इन इट. देयर इज वन मोर फिल्म दैट आई एम गोना बी स्टार्टिंग इन आई थिंक सितंबर अक्टूबर, बट आई एम वेटिंग फॉर द प्रोडक्शन. थैंक यू सो मच. थैंक यू.